वाराणसी की फटाफट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने अपने फोन से पहले अजान बजाई, फिर हनुमान चालीसा, केस हुआ दर्ज। मुंबई में मस्जिदों के सामने किया था हनुमान चालीसा का पाठ, अब एमएनएस कार्यकर्ताओं पर होगी एफआईआर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा था मनसुख हिरेन के हत्या का मास्टरमाइंड, सबूत मिटाने को वाजे से लिए थे 45 लाख रुपए। महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, राज ठाकरे बोले लाउडस्पीकर पर अजान जारी रही तो हनुमान चालीसा भी चलेगा। जमानत मिली रिहाई नहीं, कुछ घंटे अस्पताल में बिताने के बाद वापस जेल पहुंची नवनीत राणा, आज बाहर आएंगे राणा दंपत्ति। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद, राज ठाकरे का उद्धव सरकार को अल्टीमेट, सीएम बोले कार्रवाई के लिए परमिशन का इंतजार ना करे पुलिस। संजय राउत बोले हिंदुत्व के बीच दरार पैदा करने के लिए राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को झटका, 2 हफ्ते के अंदर महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों का ऐलान करने का आदेश। आज हिंदुओं के लिए काला दिन, लाउडस्पीकर पर बंदी का खामियाजा श्रद्धालुओं ने भोगा, संजय राउत का बीजेपी और राज ठाकरे पर हमला। नासिक में 150 एमएनएस कार्यकर्ता गिरफ्तार, पुणे में 200 हिरासत में, राज ठाकरे ने तेज आवाज पर जय हनुमान का किया था ऐलान। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए बने रहे एंटी करप्शन न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।